मध्य प्रदेश से खबर, जहां पर मध्य प्रदेश के मुरैना में खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने गए टीम पर हमला कर दिया गया, जिन्हें रोकने के लिए फायरिंग तक करनी पड़ गई। मध्य प्रदेश के कई जिलों में रेत का अवैध खनन जारी है। स्थानीय प्रशासन उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन माफिया मान नहीं रहे। मुरैना जिले में रेत खनन को रोकने गई टीम पर गांव वालों और माफिया ने मिलकर हमला कर दिया, जिसके बाद फॉरेस्ट विभाग की टीम को फायरिंग करनी पड़ी। इसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई। जो माफिया है और जो गाँव वाले हैं, ये इनडायरेक्ट रूप से यही कहते हैं कि जो भी पुलिस के कर्मचारी अधिकारी हैं, वो लोग तो खुलेआम करने दे रहे हैं, क्योंकि हम उनको एंट्री दे रहे हैं। इलाके में अक्सर रेत माफिया और प्रशासन के बीच अवैध खनन को लेकर विवाद होता रहता है। रेत का ट्रैक्टर था, आया था, उसको पकड़ने के लिए आए थे, और ये नगरा थाने से रेत चल रहा है और चलवा रहे थाने वाले, पैसा ले रहा है, पैसा लेके थाने से रेत आता है। 9 जून की शाम को ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने को लेकर हुए विवाद के बाद वन विभाग के SDO श्रद्धा पंडेर पर रेत माफियाओं ने हमला कर दिया था। इसे लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आपने अभी मुझे सूचना दी है, इस पर फौरन तहकीकात होगी, जरूरत हो तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।